वेलकम फ्रेंड्स आप सब कैसे हो तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि फिस वाले गेम से आप बहुत ज़्यादा कॉइन कैसे जीत सकते हो तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं जो आपको बताऊंगा उसको लास्ट तक आप सुनते रहिए ठीक है।, है मैं इस पूरे गेम के बारे में बताऊंगा आप कभी नहीं आ रोगे तो इस गेम को कैसे खेलते हैं अभी मैं इस गेम को सिंपल तरीके से खेलता हूँ ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा इसके बारे में बता दूंगा ठीक है तो अभी मैं सिंपल सा खेलूँगा तो यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ कि ये गेम किस टाइप का होता है तो अगर आप टेन कोइन से खेलते हो तो आपको थोड़े कोइंस मिलते हैं अगर कोई मछली को मारते हो तो अगर आप सौ कॉइन से खेलते हो तो उसका दस गुना आपको कॉइन मिलेंगे हज़ार से दस हज़ार से खेलते हो तो इस तरह से आपको ज़्यादा मिलते जाएंगे तो कोइन के हिसाब से आपको ये गेम खेलना है फर्स्ट तो ये है तो अगर आप नए हो इस गेम पे तो आप थोड़े कोइन से आप ट्राई कर सकते हो दस वाले से ठीक है तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए किस तरह से हम फिश को यहाँ पे मारेंगे और किस तरह बॉस को यहाँ से पकड़ेंगे तो ये देखिए पचास वाले को भी पकड़ा है साठ वाले को पकड़ा है ठीक है गोल्डन जो फिश है उसको पकड़ा है तो साथ में चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए इस तरह से तो इस गेम में हार कब होती है पहले तो मैं ये बताता हूँ जब आप लगातार यहाँ से अटैक करते हो तो क्या होता है इसमें से ये छोटी छोटी मछलियाँ आपको दिखाई दे रही है ना ये इनको बचाने के लिए आती है ठीक है तो इस तरह से ये बचा लेती हैं तो जब आप अटैक करो ना तो आप एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है एक तो आप नज़दीक में जो फिशीज़ है ना उस पर अटैक मत करना वो नहीं मरेंगी यानी दूर वाली मछली पे आपको अटैक करना है चाहे कोई भी मछली हो ठीक है और सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना जब भीड़ भाड़ हो ना ज़्यादा तो तभी अटैक कम करना जब पूरा यहाँ पे जो मैदान है ना वो साफ दिखे तभी अटैक करना और दूर वाली मछली पे करना है ठीक है तो अभी आप चेक कर सकते हो ये देखिए पास वाले पर मैं अटैक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ हासिल नहीं हो रहा है अभी मैं दूर वाली पे अटैक करूँगा ये देखिए आप तो बीच में बचाने के लिए मछलियां आ रही है ये देखिए छोटी छोटी मछलियां आ रही है तो आप साइड से भी वार कर सकते हो अभी देखिए कोई नहीं है या मैदान में ठीक है तो टेन कोइन यहाँ से एक मछली को मार है तो यहाँ से इस तरह से आप चेक करते जाओ बस ये देखिए पास वाले पे अटैक करने से कुछ नहीं होता आप ये पचास वाली है ना साठ वाली अभी देखिए कितना पास में घूम रही है लेकिन इस पे अटैक करेंगे तो ये मरेगी नहीं क्योंकि ये पास में अगर ये दूर होती तो एक अटैक में ही मर जाती तो अभी देखिए इस तरह से अभी दूर पे वार की है खाली अभी देखिए खाली है बिल्कुल खाली है वो बचाने के लिए आ है, से गई है मछलियाँ अभी देखिए दोबारा से उसी पर अटैक करता हूँ गई ये पचास वाली पे मारता हूँ मतलब दूर से आपको मारना है क्योंकि यहाँ पे छोटी मछलियाँ ना इनको बचाने के लिए आ जाती हैं तो जितना दूर से आप मारोगे ना और मैदान साफ होगा तो आप लॉस में नहीं जाओगे तो आप जितना बड़ा गेम ये जितना मर्जी खेल सकते हो लेकिन जब आप शुरुआत करते हो ना तो टेन कॉइन से ही करना है ठीक है टेन कॉइन वाले गेम से ही करना है तो इस तरह से ये देखिए दूर है ना दूर है तो ये देखिए ये देखिए अभी इसको ऊपर से मारते हैं ठीक है आप साइड में अब से किसी भी जो दिशा से है ना आप इस पे वार कर सकते हो अगर खाली हो तो सामने से मारिए इस तरह से आप मार सकते हो अभी बॉस आएगा बॉस को पकड़ेंगे ठीक है ये देखिए अगर इसको पकड़ते हो ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला होता है तो अटैक कर रहे हैं ये फ्रेंड है कोई अटैक करें देखिए हम बॉस के पीछे वाले पंद्रह को पकड़ते हैं तो ये देखिए ये बोस पे कितना अटैक कर रहे हैं और बॉस का कुछ यहाँ पे बिगड़ी नहीं रहे है ठीक है बॉस वैसे ही चला जा रहा है तो बॉस को कैसे पकड़ते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ठीक है सॉरी यहाँ पे बिल डिटेल आ गई तो इस तरह से खाली में आप वार कर सकते ये देखिए और पास में जो मछलियाँ होती है ना वो अटैक करने पर ये देखिए थोड़ा दूर गई है तो आ गई है तो यहाँ पे ये देखिए पंद्रह वाला फिर आ गया है ये नहीं मरेगा देखिए ये नहीं मरेगा खाली है फिर भी नहीं मरेगा तो बॉस पे यहाँ पे गेम की एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे चार लोग खेलते हैं और चारों है ना बड़े मसले पे ना अटैक करते हैं हो सकता है उन तीनों के अटैक से वो घायल हो जाए और आपके एक अटैक से मर जाए तो ये भी हो सकता है तो यहाँ पे मैं अटैक कर रहा हूँ देखिए अटैक कर रहा निकल गया बोस बोस यहाँ से निकल गए तो अभी और मछलियों को पकड़ते हैं ये देखिए यहाँ से इसको टैन को लेते हैं ये देखिए ये साठ वाली है ना इसके पीछे है ये देखिए कितना अटैक कर रहे हैं ये नहीं मरेगी अभी ये मछलियाँ आ गई है यहाँ पे इस इनको बचाने के लिए तो अभी एक बार फिर ट्राई करते हैं पचास वाले पे ये देखिए पूरा का पूरा मारते हैं इसको ये देखिए मर गई यहाँ पे तो इस तरह से आप मतलब कोई भी मछली उसके आसपास मछलियाँ उनको बचाने के लिए ना होना तभी अटैक करना यहाँ देखिए बोस पे कितना अटैक करें ऊपर वाले आने दीजिए ये घायल हो रहा है बोस अभी मैं भी इस पर अटैक करने वाला हूँ अभी मैदान साफ है एक दो मार के देखते हैं एक दो मारते हैं और ये हमारे तीन अटैक से ही मर गया ठीक है, है तो घायल किसी ने किया मिला हमको ठीक है तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए यहाँ पे और इस गेम में बहुत सारे रूल होते हैं जैसे आप किसी मछली को फ्रीज फ्रीज कर सकते हो रोक सकते हो यहाँ से बीच कौन से पावर भी ले सकते हो उस पर मैं, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा ठीक है अभी नहीं डालने वाला अभी तो सिंपल खेल रहा हूँ ना ही तो यहाँ पे कोई पावर है मेरे पास अभी टेन कोइन से खेल ले रहा हूँ ठीक है ये देखिए सेकेंड टाइम भी इसको मारते हैं ट्राई मारते हैं इसको घायल तो हो गया ये आठ मिले हैं ठीक है इसके स्पोर्ट में पीछे दो मछलियाँ ठीक है इनको मारते हैं पहले और अभी इस पर अटैक करते हैं ये देखिए अभी पूरा का पूरा बम मिला है हमको रेडी हो जाए रेडी 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 ये अटैक कर दिया ठीक है ऑटो अटैक होता है यहाँ पे और ये घूमेगा जितने इसके पास से गुजरेंगे ना सब मरेंगे तो इस तरह से ये आ रहा है ये मेड ए फॉर्च्यून ऐसा बनता है ठीक है जब आप बॉस को मारते हो तो इस तरह से बनता है आप दूर वाली मछलियों पर अटैक करते रहिए खाली मैदान हो तब तो वीडियो आपको ये कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं आपका समय सुबह रहे अगर इस तरह खेलोगे तो आप नहीं आ रहोगे दूर वाली मछलियों पर ये देखिए अटैक करते रहो आपका समय सुबह रहे नेक्स्ट वीडियो कभी मैं डालने वाला हूँ इस पर